एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरुजी के आश्रम पहुंचा और पहुंचने के बाद उसने अपने गुरुजी के सामने अपनी शिकायतों का पिटारा खोलना शुरू कर दिया कि गुरुजी मेरे जीवन में समस्याएं चल रही हैं, मैं ना तो सफलता प्राप्त कर पा रहा हूँ, ना मैं अपने निजी जीवन से खुश हूँ, ना पारिवारिक जीवन से खुश हूँ, हर जगह सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं। अब गुरुजी उसकी सारी बात समझ चुके थे तो गुरुजी ने उसे अपने साथ चलने को कहा। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों एक तालाब के किनारे पहुंच गए। तालाब की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि बताओ उस तालाब में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी कहीं पशु नहा रहे हैं, कहीं आदमी कपड़े धो रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या उस तालाब का पानी पीने योग्य है। तो शिष्य ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं। कुछ देर के बाद जब ये लोग सब चले जाएंगे और जब तालाब एकदम शांत हो जाएगा तो ये जो मिट्टी है, जो गंदगी है, सब नीचे बैठ जाएगी और तब वो पानी पीने योग्य हो जाएगा और आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। बस कुछ देर की बात है। तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं जो अभी एकदम उफान पे हैं, इसीलिए समझदारी के साथ कुछ देर शांत रहो और समस्याओं का समाधान ढूंढने पे फोकस करो, ना कि समस्याओं पे।